बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने साल 2018 में देश भर में मीटू की हवा चलाई थी। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। देखते ही देखते कई एक्ट्रेसेस और मॉडल ने आगे आकर अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर भी आवाज बुलंद की थी। ये वो दौर था जब फिल्मी पर्दे पर बेहद सम्मानित रूप से देखे जाने वाले कलाकारों के राज बेनकाब हो रहे थे। इन्हीं में फेमस फिल्म मेकर और फराह खान के भाई साजिद खान का नाम भी आया था। एक पत्रकार समेत तीन महिलाओं ने साजिद पर कई संगीन आरोप लगाए थे। साल 2018 में अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद से ही साजिद ने चुप्पी साध ली थी। वो इवेंट्स पर भी काफी कम दिखाई देते थे। इसी बीच एक बार फिर साजिद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल अब एक मॉडल पाउला ने साजिद पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। पाउला नाम की इस मॉडल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर साजिद को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। पाउला ने लिखा, जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तब बहुत लोगों ने साजिद खान के खिलाफ बोला, लेकिन मैं मीटू मूवमेंट के दौरान चुप रही क्योंकि इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। परिवार के लिए मुझे काम करना जरूरी था। अब मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है, ऐसे में मैं साजिद के खिलाफ बोल सकती हूँ। साजिद ने 17 साल की उम्र में मेरा यौन शोषण किया था। पाउला ने आगे लिखा, वो मुझसे गंदी बातें करता था, वो मुझे छूने की कोशिश करता था। उसने मुझे अपने सामने कपड़े उतारने के लिए कहा, जिससे वो मुझे आने वाली फिल्म हाउसफुल में रोल दे सके। भगवान ही जानता है कि ये सब उसने कितनी लड़कियों के साथ किया है। मैं यहाँ किसी के कहने पर अब नहीं आई हूँ। मुझे बस एहसास हुआ ये मुझ पर कितनी बुरी तरह से असर डालता है। मैं तब एक छोटी बच्ची थी और बोल नहीं पाई, लेकिन अब बहुत हो चुका। इसे जेल में होना चाहिए, ना केवल कास्टिंग काउच के लिए बल्कि लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए भी। लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ। गलत होता अगर मैं इस पर नहीं बोलती। जाहिर मॉडल के आरोप लगने के बाद आने वाले दिनों में साजिद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको याद दिला दें, साल 2018 में बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट ने खूब जोर पकड़ा था। इस दौरान साजिद खान के ऊपर लगे आरोपों का असर उनके काम पर भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। साजिद को हाउसफुल 4 के डायरेक्शन से हटा दिया गया था। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।